जय माता दी। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे शनि और राहु की युति के बारे में। शनि और राहु की युति, अगर ये दोनों ग्रह एक साथ किसी भी घर में बैठे हो तो हमें क्या फल देते हैं, किन घरों में अच्छे फल होते हैं, किन में खराब होते हैं, सभी चीज़ों की बात करेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहिए। शनि और राहु की युति की बात करें तो शनि सांप अगर माना गया है तो राहु उसके सर के ऊपर का मनका बताया गया है। शनि और राहु जब आपस में मिलते हैं तो लाल किताब में इनको इच्छाधारी सांप कहा गया है। अगर ये कहीं अच्छे घरों में बैठ जाए, अच्छे घर कौन से हैं वो भी बताऊंगा, तो इंसान को जीवन में बहुत धनवान बनाते हैं, रुपया पैसा सुख समृद्धि सब कुछ देते हैं। लगन के अंदर बैठे हुए हो तो कहते हैं इंसान का परिवार बहुत बड़ा होगा, थोड़ा गुस्सा स्वभाव के अंदर तो जरूर आएगा, लेकिन शराब मांस खाने से परहेज रखेगा तो पिता का सुख भी मिलेगा और पिता के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे। अगर शराब मांस का इस्तेमाल घर में बहुत ज़्यादा हुआ या चाल चलन खराब हुआ तो तकलीफें बहुत ज़्यादा जीवन में आएंगी, लेकिन परिवार बड़ा होगा, अगर शनि के परहेज रख के चाल चलन अच्छा रखा जाए, शराब मांस से दूर रहा जाए, तो जीवन में रुपया पैसा सुख समृद्धि बहुत देते हैं। दूसरे घर का बैठा हुआ ये मेल कहते हैं इंसान को एक तरह से राजा के समान बना देता है, रुपया पैसा सुख समृद्धि धन सारे सुख दे के चलता है। लेकिन अगर कहीं लॉ वाइज या दसवें घर के अंदर शनि के घर के अंदर उसके दुश्मन आ जाए या शनि खराब हो जाए या राहु किसी तरह से खराब हो जाए सूर्य शुक्र के मेल के कारण, तो ये धन के नुकसान, खराबी, ससुराल के साथ पंगे, कोर्ट कचहरी, दिक्कतें ये भी दे जाते हैं। अगर इनको अच्छा रखा जाए, शराब मांस का सेवन करने से परहेज रखा जाए या शनि शुभ हो, राहु भी ठीक अवस्था में हो, तो धन को लेके किसी तरह की कमी नहीं देते, इंसान अपने तेज दिमाग से बहुत अच्छा धन कमा लेता है। तीसरे से लेकर के छठे घर तक इनको कहा गया है कि ये इच्छाधारी सांप होगा। ऐसे घरों के अंदर अगर तीन से लेकर छह घरों में अगर ये ठीक ठाक अवस्था में बैठ गए तो इंसान को महाराजा तक बना देते हैं, रुपया पैसा सुख समृद्धि बहुत अच्छी देते हैं, बहुत अच्छा धन का सुख देते हैं। लेकिन अगर ये कहीं चौथे घर के अंदर खराब होकर बैठ जाए तो माँ की सेहत, घर की सुख शांति, मन की शांति इनको खराब करते हैं, घर में क्लेश, पैसे के नुकसान, खराबी सब कुछ देते हैं। तीसरे घर में बैठ जाए तो इंसान अगर अच्छे हो तो इंसान अपने तेज दिमाग से बहुत अच्छा धन कमा लेता है। अगर कहीं खराब हो जाए तो मेहनत बेकार जाती है, सही डिसीजन नहीं ले पाता और बेकार की मेहनत करके रिजल्ट कुछ निकलता नहीं है। पांचवें घर में अगर अच्छे हो जाए तो दिमाग तेज, आईटी के प्रोफेशन के अंदर इंसान बहुत आगे निकल जाता है, लेकिन अगर खराब हो जाए तो संतान भी नहीं मिलने देता, पढ़ाई के सुख भी नहीं देता, विचार गलत आते हैं, गलत चीज़ों की तरफ आकर्षित होना, चाल चलन खराब हो जाना, कुछ भी करवाते हैं और पिता के ऊपर भी दिक्कतें। छठे घर में अगर अच्छे हो तो तेज दिमाग से इंसान अपने नौकरी और करियर के अंदर अच्छी तरक्की कर लेता है। अगर कहीं खराब हो तो नौकरी में भी परेशानी, कर्जा, नुकसान, पेट की दिक्कतें, बीमारी, ये सब कुछ देते हैं। हालांकि सातवें से लेकर बारहवें घर में ये ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते, यानी सात से बारह में जब इनकी दृष्टि पहले घरों में एक से छः में आकर के पड़ती है तो दिक्कतें देखने को मिलती है। सात से लेके बारह तक के फलों को बताने से पहले एक और कंडीशन आपको बताता हूँ। अगर इंसान के शरीर के ऊपर लसन का निशान हो, अगर लसन का निशान इंसान के शरीर के ऊपर होगा तो ये इनकी खराबी की निशानी होगी, यानी शनि राहु का मेल है, शरीर के ऊपर अगर लसन का निशान है तो ये खराब फल देंगे, इंसान को साधु, फकीर या भिखारी तक बना देते हैं। अगर ये लसन का निशान नाभि से ऊपर वाले हिस्से के अंदर हुआ तो घर परिवार के मर्दों के ऊपर इसका खराब असर होगा, अगर नाभि से नीचे वाले हिस्सों के अंदर हुआ तो धन संपत्ति सुख समृद्धि पर खराब असर होगा। अगर लसन का निशान नहीं दिख रहा हुआ तो हालात तो ठीक रहेंगे, लेकिन अगर ये दिखता हुआ तो जीवन में बहुत तकलीफें आएंगी। सात से बारह घरों के अंदर ज़्यादा अच्छे फल नहीं देते। इन घरों में बैठ करके ये अगर सातवें में बैठ जाए तो ग्रस्त जीवन, डेली सोर्स ऑफ इनकम इन सबको खराब करते हैं। आठवें घर में कोर्ट कचहरी, रुपये पैसे की नुकसान, खराबी, ये सारे हला देते हैं। यानी कि इनका मेल अगर सात से बारह में हो और लसन का निशान भी इंसान के शरीर के ऊपर आ जाए तो जीवन साथी की सेहत या आपसी तालमेल खराब होता है। जीवन में इन ग्रहों की दशा में कोर्ट कचहरी, रुपया पैसे की खराबी, नुकसान, अस्पतालों पर पैसा खर्च होना, ये कुछ भी करवाते हैं। और ख़ास करके 39 साल की उम्र तक तो ये बहुत ख़राब फल देते हैं। और अगर कहीं सात से बारह में हो और लसन का निशान भी इंसान के शरीर के ऊपर हो तो जब उसकी शादी होगी, जिस दिन उसकी शादी होगी उस दिन से लेकर के आने वाले जो 27 साल का समय है वो इंसान का खराब जाता है। अब इसके लिए उपाय क्या करने चाहिए?
43 दिन लगातार अगर ये 7 से 12 घरों में है या पहले भी है और खराब असर दे रहे हैं, तो 43 दिन लगातार एक लोहे का कटोरा लीजिए, उसके अंदर जौ भर करके उसको मंदिर में देना शुरू कर दीजिए। ये उपाय 43 दिन लगातार कीजिए या हर शनिवार कीजिए और लगभग 1 से 2 साल इसको करते रहिए, इस ग्रहों की जुड़ी हुई खराबियां खत्म हो जाएंगी। और साथ ही ऐसे लोगों को शराब मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, अपना चाल चलन अच्छा रखना है, चाल चलन नहीं बिगाड़ना। और साथ ही बादाम और नारियल इनको भून के या तल के बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, अगर ये खाना शुरू कर दिया तो शनि राहु बहुत खराब असर देंगे। और नीले काले रंग से परहेज रखिए। तो अगर तो अच्छी अवस्था के अंदर है और शरीर के ऊपर लहसुन का निशान नहीं है तो राजा महाराजा तक बना देते हैं, खास करके अगर ये पहले घरों में हो, पहले में हो, दूसरे में हो या 4 से लेकर के 5-6 घरों के अंदर बैठे हो तो बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर लहसुन का निशान है और खराब अवस्था में है तो तकलीफें देते हैं। तो इसी तरह से आप ये उपाय करके इनकी खराबी से बच सकते हैं। इसी तरह से हम और भी विषयों पर चर्चा करेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता दी।